ये दो किस्म के सर्किट ब्रेकर हैं, एक सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर है और दूसरा डबल पोल सर्किट ब्रेकर है। सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर में एक तार इन होती है और एक ही तार आउट होती है। डबल पोल सर्किट ब्रेकर में दो तारें इन होती हैं और दो ही तारें आउट होती हैं। हर सर्किट ब्रेकर के ऊपर उसकी जो करंट है वो लिखी होती है। इसमें अब देखिए तो ये लिखा हुआ है हमारे पास C10। C10 का मतलब ये है कि ये सर्किट ब्रेकर जो है वो 10 एम्पीयर तक है। इसमें अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये है C63। ये डबल पोल सर्किट ब्रेकर जो है वो दो वैल्यू में आते हैं हमारे पास, एक C32 और दूसरा C63, यानी 32 और 63 एम्पीयर में। इस सर्किट ब्रेकर में आप फेज और न्यूट्रल दो तारें इन करते हैं और दोनों तारें आउट करते हैं, और ये दोनों तारों को ऑन ऑफ करता है। ये जो सर्किट ब्रेकर है ये एक तार को कंट्रोल करता है, चाहे आप इसमें फेज इन करें और फेज ही आउट ले लें, या आप न्यूट्रल इन करें और न्यूट्रल आउट ले लें। सर्किट ब्रेकर जो है फ्यूज़ की निस्बत बहुत जल्दी काम करता है। दूसरा, ये उस सूरत में ऑन होगा जब आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। नॉर्मल हालत में ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आउट करता रहता है। जब भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट आता है तो उस सूरत में जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो जब सर्किट ब्रेकर के ऊपर आती है तो ये ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करके जो आपका सर्किट है वो उसको ब्रेक कर देता है, यानी सप्लाई आपके अलग कर देता है, जो आपका आउटपुट सर्किट है वो उसको अलग कर देता है। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ही ऑन होगा जब आपका सर्किट मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। और अभी ये जो दोनों सर्किट ब्रेकर हैं ये ऑफ हालत में, अभी इनको ऑन करने के लिए आप इसको ऊपर करेंगे और इन दोनों को आप ऊपर करेंगे, तो ये दोनों ऑन हालत में हैं। जब भी कभी ये ट्रिप करेगा तो ये और ये दोनों आपके इस तरह ट्रिप होंगे। ट्रिप करने के बाद ये दोबारा ऑन नहीं होंगे जब तक कि आपका मुकम्मल तौर पर सर्किट जो है वो ठीक नहीं होगा। ये टाइप के लिहाज से, करंट के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये MCB टाइप सर्किट ब्रेकर हैं जो कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट की सूरत में काम करते हैं, यानी जब भी आपकी फेज और न्यूट्रल तार आपस में मिल जाएंगी तो उस सूरत में ये काम करेंगे। और ये आपके सिंगल फेज और थ्री फेज, यानी 220 से 440 वोल्ट तक काम कर सकते हैं। इसमें जो थ्री फेज हैं उनमें तीन पोल के सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ एक फेज़ के साथ लगाना चाहते हैं तो ये सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर भी आप लगा सकते हैं।